हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह का बज रहा था 10 और मेरी नींद अभी तक खुली नहीं थी। मैं अभी जस्ट आई रही हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ वीडियोस। और मौसम भी आज ठीक ही हो रखा है। अभी थोड़ी देर आधे घंटे पहले तक तो बारिश थी और अभी मौसम थोड़ा साफ हो गया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो बारिश हो चुकी है बंद और सामने के पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कोहरा फिर से आने लग गया है। ये कोहरा आएगा, पानी लग जाएगा, बारिश पड़ेगा ऊपर से। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा मौसम हो रहा है, क्या नज़ारे हैं। वाह। तो अभी अब मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ वीडियो से, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो अभी देखो मैं क्या बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को, जो बनाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी। ओफो, तो अभी मैं धोने के लिए गई मुँह और पानी का नामो निशान नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे बरसात का टाइम हो गया है, आधी बरसात आ चुकी है और मेरे को अभी भी पानी की मतलब कमी, इतनी कमी हो रही है पानी के लिए। अभी मुझे पानी लगाने के लिए जाना पड़ेगा अपने जहाँ से हमारा पानी का कनेक्शन है वहाँ जाना पड़ेगा धारे। और पानी यहाँ पहाड़ों में पानी आता कहाँ से वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और पहाड़ों में पानी की इतनी दिक्कत है मैं क्या बताऊँ। गर्मियों में हमारे यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है, कनेक्शन का पानी आता 3 दिन में एक बार। और जो हमारे घर के बगल में वैसे स्रोत का पानी जो पहाड़ों में होता है, जिस पर पहले से हम सब लोग निर्भर थे, पहले कनेक्शन था ही नहीं। अभी पिछले 2.5 साल पहले हमारे घरों पर कनेक्शन आए हैं, उससे पहले कनेक्शन का पानी नहीं था। स्रोत के पानी से हम लोग पानी पीते थे सब लोग, हमारे मतलब यहाँ पर 11-12 परिवार है, सारे के सारे स्रोत के पानी से पीते थे। और इस बार वो स्रोत के पानी में बिल्कुल भी पानी, कनेक्शन का पानी आने के बाद भी पानी नहीं मिला पीने के लिए। तो आज आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि पानी कहाँ से आता है, स्रोत क्या होते हैं और पानी को हम कैसे इकट्ठा करते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं पहुंचने वाली हूँ बस, क्योंकि हमारा तो लास्ट हमारा ही घर पे है पानी का स्रोत, हमारे घर से सब लोग लेके जाते हैं। आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ पानी के स्रोत के, यहाँ पे ये बना है टैंक, इसके ऊपर स्रोत है। तो अभी मैं आप लोग को वहाँ जाके दिखाऊंगी। और अभी बरसात का टाइम है, जौक अलग लगती है तो जौक कहीं मुझे काट वाट ना ले, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पानी का टैंक, जो स्रोत का पानी है हमने इसमें इकट्ठा कर रखा। स्रोत है ऊपर पेड़ की जड़ में। तो ये रहा इधर पानी का स्रोत, आप लोग देख सकते हैं यहाँ डाला गया है पाइप, यहाँ से इस टैंक में ये आ रहा है, इस टैंक के अंदर यहाँ पर स्टोर हो रहा है। यहाँ से भी पाइप के, इस पाइप से उस बड़े वाले टैंक में जाता है। अभी तो इसमें ओवरफ्लो हुआ है गर्मियों। तो यह है पेड़, इसकी जड़ से पानी निकलता है। ये आज से नहीं, मेरे मतलब मेरी फैमिली यहाँ 40 साल से रह रही है और तब से ये स्रोत ऐसे का ऐसा ही है। इस बार गर्मी में बिल्कुल सूख चुका था, बिल्कुल पानी ही नहीं था इसमें। तो गर्मी इतनी पड़ रही है क्या बताओ, पॉल्यूशन इतना हो रहा है। तो ये यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ से फिर ऐसे पाइप से ऐसे करके यहाँ से इधर डाल रखा है इस टैंक में। ये रखे हैं दो टैंक इसमें, ये नीचे तो पानी वाला है, ये ऊपर ओवरफ्लो आ रहा है। अभी तो ये पानी बहुत फुल है इसमें, तो वहाँ से पानी बाहर निकाल रहे हैं, गंदा पानी ऊपर आ। तो ये सब पॉल्यूशन की वजह है और रोडें वगैरह आ रही है, पेड़ सारे कट रहे हैं। तो पेड़ कटेंगे तो फिर गर्मी तो बढ़ेगी, तो पेड़ वगैरह कट गए हैं और कितने घर वगैरह बन रहे, तो इस वजह से पेड़ वेड़ सब काट रहे हैं लोग। तो यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ गई, इस वजह से पानी की बहुत दिक्कत होती है हमें। हमने यहाँ से क्या करा, हमने यहाँ से पाइप डाल दिया इसमें अपने घर के, घर वाला जो हमारा टैंक है उसमें डालने के लिए पानी, ये वाला टैप है। तो यहाँ से अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे और ये पानी चल जाएगा सीधे हमारे घर। तो अभी मैंने पाइप यहाँ से कर दिया कनेक्ट, अभी यहाँ के रास्ते चल सीधे चल जाएगा हमारे घर, यहाँ से हमारे घर जाएगा सीधे। यहाँ पर खोल के देखना पड़ेगा कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मुझे वापस से वहाँ कनेक्ट करने जाना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ पर पानी आ चुका है ऐसे, अब यहाँ से सीधे घर चले जाए। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर। यह है 3 साल पुराने बैगन के पेड़, इसमें आप लोग देख सकते कितने बैगन लगे हैं अभी भी, इस साल भी उधर भी लगे हैं उसमें। और ये रहा हमारा घर जिसमें अभी चल रहा है काम। तो बिल्कुल ऐसा हो रखा क्या बताऊँ, पत्थर ही पत्थर हो रहे जहाँ था कुछ, एक अभी बारिश हो रही थी इस वजह से काम भी नहीं कर पा रहे, करा भी पा रहे घर पे, तो बारिश की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो देखो कब तक होता है ये काम पूरा। यह है हमारा टैंक जो मैंने पानी वहाँ से लगाया था, वो यहाँ आएगा और इसमें स्टोर करके फिर यहाँ से हम पानी का यूज़ करेंगे इस वाले टैंक से।
तो अब इसमें चढ़ के मुझे देखना पड़ेगा कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे आवाज़ तो आ रही है, पानी आ ही रहा होगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं पानी की कितनी दिक्कत है पहाड़ में, ऐसे वहाँ से वहाँ कनेक्शन करना पड़ता है, वहाँ से वहाँ कनेक्ट करना पड़ता है, तब हमको पानी मिलता है। और वीडियो भी बन गई आज की मेरी और पानी भी लग गया अब देखो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, पहाड़ी चीज़ों के साथ आप लोग को दिखाऊंगी मैं नई नई चीज़ें तब तक। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को UK04 वाली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।